स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेटा अकाउंटेंसी 12th की क्लास करेंगे और इस क्लास से पहले हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज फिर हम लोग बेटा उसी को कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट क्लास में जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ केस किए थे, पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। पहला केस था कि व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड अमंग द पार्टनर्स, तो उसमें हमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करना है, राइट? या फिर देयर इज अ पार्टनरशिप डीड बट देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दीज आर बोथ केस। इन दोनों केस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करना है, राइट? तो पहला था कि पार्टनरशिप डीड ना हो या फिर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर प्रोविजन ना हो तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। फिर उसके बाद हमारा जो था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया गया है पार्टनरशिप डीड में बट उसके ट्रीटमेंट को लेके आपको कोई प्रोविजन नहीं बताया गया है कि आपको इसको क्या कंसीडर करना है। आइदर इट विल बी कंसीडर्ड एज चार्ज और इट विल बी कंसीडर्ड एज एप्रोप्रिएशंस, राइट? सेकंड जो केस था उसमें हमारे पास ये था कि जब आपको पार्टनरशिप डीड में दिया गया है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बट आपको क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको क्या कंसीडर करना है। इट विल बी ट्रीटेड एज चार्ज और इट विल बी ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशंस। तो रिमेंबर दिस थिंग, अगर ऐसा कुछ ना लिखा हो तो हमें इसको एप्रोप्रिएशंस मानना है। इसका मतलब है अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करोगे पार्टनर्स को, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करोगे। अब इसमें हमने तीन केस करने हैं बेटा, उसमें से दो केस हम लोग कर चुके हैं लास्ट वाली क्लास में। पहला केस था कि व्हेन देयर इज अ लॉस, तो अगर लॉस है और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट देने के लिए बोला गया है बट कुछ नहीं बोला कि ट्रीटमेंट क्या करना है, चार्ज नहीं है तो ये एप्रोप्रिएशंस है, बट क्योंकि आपको लॉस है तो इस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करना है, रिमेंबर दिस थिंग। सेकंड केस था कि जब आपका जो प्रॉफिट है, लेवल प्रॉफिट है, वो जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है उससे ज्यादा है, उसके इक्वल है, तो हमें क्या करना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाना। लास्ट टॉपिक मैंने यही किया था और उस पीएनएल एप्रोप्रिएशंस के थ्रू हमें जो जितना हमारा प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? उसके बाद अगर प्रॉफिट फिर भी सरप्लस है तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके बाद जो थर्ड केस है, सेकंड केस का थर्ड केस, उसमें है व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जितना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो उससे कम है, या फिर इसको इनएडिक्वेट या अनएडिक्वेट प्रॉफिट भी कहते हैं, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, राइट? तो इसमें जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा, ए और बी पार्टनर्स हैं जिन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की हुई है बेटा, ए ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 2 लाख और बी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बेटा 1 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है दैट इज 10% पर एनम, दैट इज 10% पर एनम। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर ए का इंटरेस्ट बनाए हम लोग तो 2 लाख पे 10% यानी 20,000 रुपए बनता है। बी का करने वाले, ये ए का है, बी का करने वालों में तो बेटा 1 लाख पे 10% यानी 10,000 बनता है। तो हमारे पास इंटरेस्ट देने के लिए कम से कम 30,000 पे प्रॉफिट होना चाहिए बट क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया है 15,000 दिया है, बट क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया है बेटा कितना दिया है 15,000। तो इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है बेटा, अगर आपके पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया गया है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बट अगर आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है तो जितना भी आपका प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल रेशियो में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा कैपिटल रेशियो में। और हमारा कैपिटल रेशियो कितना है, कैपिटल कितना है बेटा 2 और 1, ठीक है, 2 लाख ए का और 1 लाख बी का। तो इसका मतलब है कि हमारा जो रेशियो प्रॉफिट बढ़ेगा कैपिटल रेशियो बढ़ेगा और कैपिटल रेशियो इज 2:1। तो इसमें हम कैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे बेटा, तो हम यहां लिखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग जो भी डेट है,
पार्टिकुलर्स रिपीट पार्टिकुलर्स डेबिट और ये क्रेडिट। सबसे पहले आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट है बेटा हमारे पास 15,000 राइट, बट हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था 30,000, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं, हमें प्रॉफिट में से इतना इंटरेस्ट दे पाना, तो हम लिखेंगे बाय टू नेट प्रॉफिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसको हम कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी 10,000 और 5,000 राइट, 15,000 गुना में 2/3। देखिए इसका मतलब क्या होता है 2:1, कई सारे बच्चों को ये भी समझ नहीं आता कि 2:1 का मतलब क्या है और हमने कैसे बेटा इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका मतलब होता है कि अगर टोटल प्रॉफिट जो है फर्म का 3 रुपए है तो उसमें से ए को मिलेगा 2 रुपए और बी को मिलेगा 1 रुपए, यानी 3 रुपए अगर प्रॉफिट है तो ए को मिला 2, तो 1 रुपीज के लिए कितना होगा 2/3, 15,000 के लिए कितना होगा, ऐसे करना है, ये ए का शेयर हो गया। ऐसे अगर बी का निकालोगे तो 3 रुपए अगर टोटल प्रॉफिट है 2:1 तो ए को मिलेगा 1 रुपीज, ठीक है, और 1 रुपीज के लिए 1/3 हमारे पास अवेलेबल है 15,000, तो दिस वे वी विल कैलकुलेट दैट ए शेयर विल बी 10,000 एंड बी शेयर विल बी 5,000 और बेटा ई अकाउंट बंद हो जाए। दूसरी चीज, कुछ बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, उनको समझ नहीं आता कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही क्यों दिया, हम डायरेक्ट प्रॉफिट भी दबा सकते थे। तो सबसे पहले बेटा हमें करना क्या होता है, जितने भी पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन है पार्टनर्स को लेके रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिगार्डिंग सैलरी कमीशन जनरल लेजर वगैरह कोई ट्रांसफर है, वो सब प्रॉफिट में से पहले हमें ट्रांसफर करना है। पहले हमें पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन, पार्टनर से रिलेटेड जितने भी है वो सब फॉलो करते हैं, उसके बाद अगर प्रॉफिट बचेगा, ठीक है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं बेटा, ठीक है, देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे इस केस में हमारे पास प्रॉफिट 15,000 था और इट वॉज नॉट एबल टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जितना भी हमारा प्रॉफिट था हमने सबसे पहले पार्टनरशिप डीड का प्रोविजन फॉलो कर लिया और उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांट दिया, हमारे पास प्रॉफिट नहीं बचा, इसलिए हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटा। जो लास्ट केस है बेटा, फिर इसके बाद केस थर्ड, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज, टू बी ट्रीटेड एज चार्ज, चार्ज का मतलब है कंपल्सरी एक्सपेंसेस, कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर ना हो, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ये नहीं मेंशन था कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट करना है, तो हमने वहां एप्रोप्रिएशन माना, बट अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज, तो इसका मतलब है ये आपका कंपल्सरी एक्सपेंसिस है, और इट इज कंपल्सरी टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसी क्वेश्चन को जो मैंने अभी केस किया बेटा, इसको अगर मैं बात करूं इसी की, तो अगर मैं यहां पे पीएनएल अकाउंट्स बनाऊं, अब ये पीएनएल अकाउंट बनेगा, एप्रोप्रिएशंस नहीं बनेगा, क्योंकि चार्ज जो है कंपल्सरी खर्चे होते हैं और वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, तो इसमें अगर यही केस जो मैंने अभी आपको कराया लास्ट उसमें बात करें, तो जो हमारे अकाउंट बनेंगे देखिए कैसे बनेंगे, सबसे पहले आप प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे यहां पे बाय नेट प्रॉफिट, हमारे पास प्रॉफिट कितना है अवेलेबल था बेटा 15,000 राइट, और ए का जो कैपिटल था दैट वाज 2 लाख और बी का जो कैपिटल था दैट वाज 1 लाख एंड वी हैव प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, तो यहां पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो हमें इंटरेस्ट टोटल पे करना पड़ेगा, ए का बनता है 20,000, बी का बनता है 10,000, यानी हमें उनको 30,000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज,
राइट। और इसके बाद 15,000 हमारे पास प्रॉफिट है, तो 15,000 को हम दे सकते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 30,000, तो हमारा 15,000 का लॉस हो जाएगा। आप लिखोगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी, ठीक है बेटा। तो आपका 7,500, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बटेगा, तो इक्वल इक्वल बटेगा, 15,000 यहां आपका लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द पार्टनर्स। समझ में आया बेटा? इसका मतलब है अगर हम इसको चार्ज मानते हैं तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना ही पड़ेगा, आइदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और नॉट। इसी क्वेश्चन को अगर मैं कहूं कि बेटा लॉस था आपके पास, प्रॉफिट नहीं था, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? ये तो प्रॉफिट वाला हमने लिया, अब हम लेते हैं लॉस वाला। मान लीजिए पार्टनर्स को जो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट की बजाय हमें क्या दिया है? लॉस दिया है, कि फॉर द ईयर यानी हमारे पास लॉस था। कितना लॉस था बेटा? आप लिखोगे लॉस फॉर द ईयर 10,000, और इस केस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और उसको भी चार्ज मानना है, तो आप यहां लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी 20,000, 10,000, 2,00,000 पे 10% और 1,00,000 पे 10%, हमें देना ही देना है क्योंकि हमने इसको चार्ज माना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, 30,000 हमें ये देना पड़ेगा। तो टोटल जो लॉस है बेटा बढ़ के हो गया हमारा 40,000। अब इसको बंद करने के लिए हम यहां लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट भी लिखा हो सकता है अगर कैपिटल में, जो कैपिटल है वो फिक्स मेथड है, ए और बी रेशो उसने लिखा है, तो इसका मतलब इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा और इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 20,000 फॉर ए, 20,000 फॉर बी, और ये 40,000 से बढ़ जाए। दिस इज हाउ वी ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, राइट बेटा। अब यहां पे हमें दो चीजें समझनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके। पहली जो चीज है बेटा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर उस प्रोविजन दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके और उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है तो इट विल बी ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन। और अगर लिखा है कि पार्टनरशिप डीड में कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इट विल बी ट्रीटेड एज चार्ज, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना ही करना पड़ेगा चाहे हमको लॉस भी हो, राइट। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दिया जाता है? ओपनिंग कैपिटल पे। मींस अगर हमारे क्वेश्चंस में क्लोजिंग कैपिटल है तो पहले उसको हमें ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वी नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। दूसरा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पर एनम रेट होता है बेटा, पर एनम का मतलब क्या है कि वो कैपिटल जितना कैपिटल उस साल में जितने महीने यूज हुआ हमें उतने ही महीने का इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूं बेटा। पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है अगर कुछ नहीं लिखा है, और क्लोजिंग कैपिटल दे रखिए तो पहले ओपनिंग निकालना है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम है, पर एनम का मतलब होता है कि जितना अमाउंट जितने महीने के लिए यूज हुआ है उतने महीने का आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा इस चीज को क्लियर करने के लिए। जैसे मान लीजिए ए है और बी है, इनका जो ओपनिंग कैपिटल है, ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत बार आता है, ए का 2,00,000 है बी का 1,00,000 है, ओपनिंग कैपिटल मतलब फर्स्ट ऑफ अप्रैल, राइट। इन्होंने बेटा फर्स्ट अक्टूबर को 50,000 यहां इन्होंने एडिशनल इंट्रोड्यूस किया
और यहाँ पे 10th पॉइंट एडिशनल इंट्रोड्यूस बी ने किया, ठीक है। तो वी नीड टू कैलकुलेट एडिशनल सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसका रेट है 10% पर एनम, 10% पर एनम। तो हाउ वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ए का बनेगा बेटा वो बनेगा 2 लाख इंटू 10%, क्योंकि 2 लाख आपका साल के शुरू में ही इसका कैपिटल था, तो वो तो पूरे साल यूज हुआ है, उस पर पूरे साल में लगेगा, प्लस 50,000 10% 6 मंथ का लगेगा बेटा, ठीक है। तो ये बनेगा 20,000 यहां पे बेटा और 2,500 यहां पे, 50,000 का 10% 5,000 और 6 महीने का 2,500, तो टोटल बनेगा 22,500 के एक। समझ आया, 2 लाख पे पूरे साल का बेटा और 50,000 पे 6 महीने। ऐसे ही अगर आप बी का निकालते हो तो बी का निकलेगा बेटा 1 लाख इंटू 10% पूरे साल का, क्योंकि 1 लाख ओपनिंग कैपिटल है, प्लस 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, राइट। तो बेटा यहां पे बनेगा आपका 10,000 ये प्लस 500, तो 10,500 पेस। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जितना अमाउंट जो एडिशनल कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया है 1 अक्टूबर को, वो 6 मंथ यूज हुआ है तो उस पर 6 मंथ का लगना है, और जो आपका ओपनिंग कैपिटल दे रखा है वो पूरे साल यूज हुआ तो उस पर इंटरेस्ट पूरे साल लगेगा। इसके बाद एक बस छोटी सी चीज बेटा, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कि अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है तो हम ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। इफ कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड, कैपिटल अकाउंट अगर आपका फिक्स्ड है तो आप देखेंगे सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और आपका आ जाएगा बेटा ओपनिंग कैपिटल। राइट, बट इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, बट इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, तो बेटा सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग एड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एड शेयर ऑफ लॉस इफ एनी, अगर लॉस है तो एड होता है, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमने लॉस को क्या ओपनिंग कैपिटल में से माइनस किया होगा। ये तीनों चीजें ऐड होगी क्लोजिंग कैपिटल में, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग एड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एड शेयर ऑफ लॉस, लेस करोगे एडिशनल कैपिटल अगर उसने ड्यूरिंग द ईयर को इंट्रोड्यूस किया है, लेस करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर उसको कोई मिला है, लेस करोगे सैलरी और लेस करोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर प्रॉफिट है तो, और आपका जो आएगा बेटा वो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। इसकी हमें जरूरत क्यों है, क्योंकि बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट करना होता है वो ओपनिंग कैपिटल पे करना है, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर भी अगर आपको क्लियर ना हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।